अर्न 4000 रुपीज बाय यूजिंग अ सिंपल एक्सेल ट्रिक, और वो भी एक डेटा एंट्री का वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट करके। इस वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिकली कि ये काम कैसे होगा, कहां से होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले देखते हैं पेमेंट प्रूफ, उसके लिए हम लोग चलते हैं fiverr.com पे। घबराइए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप fiverr.com पे ही काम लीजिए, जो कि एक अमेजिंग फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको बिना कंपटीशन के एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना है तो दो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, पहला है LinkedIn और दूसरा है teacheron.com पे। अभी हम fiverr.com पे इसलिए जाना चाहते हैं कि वहां पर हम एक गिग को समझ सके और साथ में पेमेंट प्रूफ देख सके। तो चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है fiverr.com पे। यहां पर एक फ्रीलांसर है जो कि यही काम करते हैं, डेटा एंट्री का, डेटा क्लीनिंग का, एक्सेल के अंदर ये काम करते हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड पैकेज है जिसको वो 3 घंटे में डिलीवर करते हैं, 3 घंटे काम करके डिलीवर करते हैं, उसके वो चार्ज करते हैं 4000 से ज्यादा रुपए। तो ये काम डिटेल में प्रैक्टिकली हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और ये काम सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है। आई रिमेंबर 8 साल पहले भी मैंने जब अपनी एक्सेल की एक ट्रेनिंग दी थी डेलॉयट के अंदर, तो वहां के एम्प्लॉयज को भी इन्हीं सब चीजों की सख्त रिक्वायरमेंट थी, जिनसे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो ये टेक्निक आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और साथ ही में अगर आप 1-2 घंटे निकाल के फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, चाहे आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप जॉबलेस हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप ये ट्रिक्स यूज करके एक्सेल के अंदर महीने का 40,000 से 50,000 रुपए एज अ सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड आप मिस मत करना। और अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप ये काम समझ पाएंगे प्रैक्टिकली। ऑलराइट, अब समझते हैं कि क्लाइंट की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट होती क्या है। यहां पर मैंने एक सैंपल डेटा क्रिएट किया है, इसीलिए आपको ये डेटा बहुत छोटा दिख रहा है। रीजन ये कि एक स्क्रीन पे आप सब कुछ होता हुआ इजिली देख पाए। ऑलराइट, अब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रिक्वायरमेंट है इस डेटा के ऊपर। पहली रिक्वायरमेंट है कि इस डेटा में जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस हैं, हमें उसको रिमूव करना है। ऑलराइट, नंबर 2, इस डेटा को फॉर्मेट भी करना है। आप देख रहे हैं कि क्लीन नहीं है डेटा, मजा नहीं आ रहा, तो इसको पहले क्लीन भी करना है। थर्ड रिक्वायरमेंट एक बहुत ही अच्छी और थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। रिक्वायरमेंट ये है कि जहां पर भी किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 5000 से ज्यादा है मंथली, उस केस में उसकी जो पूरी रो है वो हाईलाइट हो जाए। ओके, कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग करना। तो 3 चीजें हम अभी समझने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना। अभी तो डेटा 8-10 रोज का है, आप सामने देखकर भी रिमूव कर सकते हैं, बट जनरली डेटा कई हजारों लाखों रोज का होता है। तो ये काम आप एक्सेल के किसी फीचर के थ्रू कैसे कर पाएंगे वो समझते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्शन देना है, नंबर 1। दूसरा, डेटा टैब के अंदर आप राइट साइड में आएंगे तो आपको दिखेगा रिमूव डुप्लीकेट, ये है फीचर रिमूव डुप्लीकेट। इस पे हम करते हैं क्लिक, और यहां पे सबसे पहले हमें वो बता रहा है कौन से कॉलम के वैल्यूज के बेस पे आप डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज आप बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को सारे कॉलम्स पे बेस पे नहीं चाहिए डुप्लीकेट से रिमूव करना, तो मैं सबसे पहले अनसेलेक्ट ऑल करता हूं। और उसके बाद आप कहते हैं यार जहां पर सेम नाम के बंदे आ रहे हैं उस पूरी रो को डिलीट कर दो, तो मैं नाम पे चेक करके अगर ओके करूंगा तो जितने भी सेम नाम के बंदे हैं सारे डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ जो पहला उसका नाम आएगा, पहली जो एंट्री आएगी उस पर्टिकुलर नाम से, सिर्फ वो ही रह जाएगी। अब ये गलत हो सकता है क्योंकि आपका नाम और मेरा नाम सेम होता हो सकता है, बट हमारे बाकी सारी जो चीजें हैं वो डिफरेंट होगी, तो ये गलत हो सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा नहीं नहीं, नाम के बेस पे नहीं, बट हम क्या करेंगे सेलेक्ट ऑल, मतलब मैं एक्सेल को ये बोल रहा हूं कि सारे कॉलम्स के बेस पे डुप्लीकेसी चेक करो, और जो भी सबसिक्वेंट डुप्लीकेट कंप्लीट रोज आएंगी उनको आप रिमूव कर दो। तो चाहे लाखों का डेटा भी क्यों ना हो, विद इन अ सेकंड वो सारी डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी। अब देखिए वो कैसे होगा, मैं सिंपली क्लिक करता हूं ओके, और यहां पर वो बता रहा है कि 2 डुप्लीकेट वैल्यूज ऐसी हैं जो कि रिमूव हो चुकी हैं और 15 यूनिक वैल्यूज बची हैं। ओके किया, और ये एक्चुअल में अगर मैं सिलेक्शन दूं तो आपको बता रहा है कि ये 15 यूनिक वैल्यूज ही बची हैं। सो दैट्स अमेजिंग, इजंट इट। तो पहला मैं यहां पे इसको ग्रीन कलर कर देता हूं क्योंकि ये वाला टास्क हमारा
हो चुका है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ द डेटा। मजा नहीं आ रहा डेटा के अंदर, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फॉर्मेटिंग आपको बताने से पहले आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे खुशी होगी, YouTube को भी खुशी होगी, और ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसे होगा डेटा। डेटा की फॉर्मेटिंग करना बहुत जरूरी है, ऐसे प्रेजेंट करने में मजा नहीं आएगा। सबसे पहले आप देखिए जो इसकी हेडर है वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर है, तो मैं इसको सिलेक्शन देता हूं एंड तक, बाकी सेल्स में भी, और हम होम के अंदर जाते हैं मर्ज एंड सेंटर करने के लिए, ताकि ये सारे सेल मर्ज हो जाएं और बीच में हेडिंग अच्छे से दिखे हमें। और सेकंड चीज, अब हमें इसको कलर फॉर्मेटिंग और थोड़ा बोल्ड और थोड़ा साइज इसका इंक्रीज करते हैं, बट ये सब हम एक एक करके नहीं करेंगे। इसका एक बढ़िया तरीका है कि होम के अंदर राइट साइड में आता है सेल स्टाइल्स, और यहां पर दुनिया भर के स्टाइल अवेलेबल हैं। हम डायरेक्टली आएंगे और हेडिंग वन चूज कर लेंगे। हेडिंग वन से क्या होता है कि बोल्ड बहुत बड़ा ऐसा फॉन्ट दिखेगा, ताकि पता चलेगा व्हाट दिस डेटा इज ऑल अबाउट। तो ये एक एम्प्लॉय डेटा है WNK लिमिटेड का, क्लिक किया और देखिए बहुत अच्छी सी फॉर्मेटिंग हो गई है, लुकिंग वेरी गुड, इजंट इट। अब बात करते हैं इस डेटा को फॉर्मेट करने की। तो इस डेटा में कुछ खामियां मुझे दिख रही हैं, वो क्या है, इसको पहले हमने सिलेक्शन दिया, उसके बाद सबसे पहले हम इस पे बॉर्डर डाल देते हैं, ताकि पता चले अच्छा इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ शीट में हमारा डेटा है। तो उसके लिए हम होम के अंदर जाएंगे और बॉर्डर के अंदर आप देखते हो ऑल बॉर्डर, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक ग्रिड सी बन के आ जाएगी, जाल सा बन के आ जाएगा, विच इज लुकिंग वेरी गुड। दूसरा, हेडर थोड़े पॉपअप होने चाहिए, तो उसके लिए भी सिलेक्शन दिया। होम के अंदर दोबारा से हम जाएंगे सेल स्टाइलिंग के अंदर, और यहां पर हम लोग चूज करते हैं कोई भी, यहां पर हम एक्सेंट जो थीम कलर स्टाइल है वो चूज कर सकते हैं। मुझे ये पर्टिकुलरली बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं एसेंट वन मैंने यूज कर लिया। अब थर्ड चीज क्या है, यहां पर वैल्यूज आप देख रहे हैं अननेसेसरी डेसिमल प्लेसेस हैं, इसको भी थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं। तो सिलेक्शन दिया और उसके बाद होम के अंदर आप देखते हैं राइट साइड में, यहां पर क्लिक करते जाएंगे तो आप देखेंगे वो डेसिमल प्लेसेस रिमूव हो रही है, यहां से बढ़ती हैं और यहां से रिमूव होती हैं। तो इस तरह से हमने अपने डेटा को क्लीन कर लिया, तो ये वाला पार्ट भी हमारा डन। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग फीचर की, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि कहीं पर भी मंथली सैलरी 5,000 से ज्यादा है तो वो पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाए, पूरी रो हाईलाइट हो जाए। अगर आपको ये काम करना है तो रिक्वायरमेंट है कंडीशन के बेस पे आपको चीजों को हाईलाइट करना है, मतलब कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट करना है, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर का यूज करना है, समझे क्या है। पर उससे पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस तरह के बड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। एंड थैंक यू सो मच दिल से इस चीज के लिए। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज करके दिखाता हूं। मैंने डेटा को सिलेक्शन दिया ओनली मंथली सैलरी, अभी मैंने पूरे को सिलेक्शन नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको बेसिक फीचर पहले बताता हूं। होम के अंदर हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिसके अंदर आता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, बहुत सारे फीचर हैं, आप ये समझ जाएंगे बहुत इजीली। मैं जाता हूं ग्रेटर देन के अंदर और यहां पे मैं लिखता हूं क्या, ग्रेटर देन व्हाट वैल्यू, तो मैं यहां लिखता हूं 5,000। और ऑटोमेटिकली देख रहे हैं जितनी भी वैल्यू 5,000 से ज्यादा है ऑलरेडी एक पिंक से कलर में आ चुकी है। मैं इसको ओके करता हूं और यहां पर ये चीज हो गई। अगर कोई वैल्यू चेंज भी होती है, सपोज मैं इसको कर देता हूं 9,000, जो 4,000 थी उसको कर दिया मैंने 9,000, तो उससे क्या होगा, ये भी हाईलाइट हो जाएगी क्योंकि 5,000 से ज्यादा। तो इस तरह से बड़ा ही डायनामिक फीचर है। लेकिन दोस्त अभी तक हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ बेसिक फीचर समझा कि कैसे होगा। रिक्वायरमेंट क्लाइंट की है कि पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको अंडू कर देता हूं जो मैंने किया है। उसके लिए क्या प्रेस करते हैं शॉर्टकट, नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसका शॉर्टकट है Ctrl Z, ऑलराइट। अब उसके लिए मैंने इसको सिलेक्शन दिया, लेकिन सिर्फ इसको नहीं पूरे डेटा को सिलेक्शन दिया। हेडर सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हमें हाईलाइट नहीं करना है। तो अब हम गएंगे होम के अंदर, अगेन हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, लेकिन ये कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है, तो हम इनको छोड़ के सीधा जाएंगे न्यू रूल में। क्यों न्यू रूल में जाना है, क्योंकि इस बार जो रूल बनेगा वो एक कस्टमाइज्ड रूल होने वाला है, समझे। चलो जाते हैं न्यू रूल के अंदर, और यहां पर कस्टमाइज्ड रूल बनाने के लिए सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यूज अ फॉर्मूला, घबराइए नहीं, बहुत हैवी फॉर्मूला की हम बात नहीं करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है, हमें सिर्फ कंडीशन डालनी है। आपको पता है ना, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन स्टार्ट किससे होता है,
किससे होता है? इक्वल टू से। तो इक्वल टू, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन से सेल के ऊपर हमें ये लगाना है। अब आप बोलोगे तो पूरे डेटा के ऊपर लगाना है, लगाना है, लेकिन मंथली सैलरी कॉलम के ऊपर लगाना है, जो कंडीशन है, अग्री? तो उसके लिए हम सबसे पहले वाले सेल का नाम देंगे। पहला सेल कौन सा है? ई कॉलम का फोर्थ रो, मतलब E4। तो उसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा डॉलर साइन और उसके बाद मैं लिखूंगा E4। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ एक्सेल के ऊपर हैं तो अभी डॉलर साइन की चिंता मत करिए। जनरली डॉलर साइन किसके लिए होता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अभी लिखिए और मुझे बताइए। अच्छा, तो डॉलर E4, ऑलराइट, इसके लिए ये हमने लिखा सेल, एंड ग्रेटर देन उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू 5000। क्यों? कि अगर इसकी वैल्यू 5000 से ज्यादा है तो जो मैं फॉर्मेटिंग बताने वाला हूं वो यहां पर कर जाए। फॉर्मेटिंग के लिए मैं जाऊंगा, अभी देखो कोई फॉर्मेट सिलेक्टेड नहीं है, फॉर्मेटिंग पे गए, उसके बाद फिल के अंदर गए और जो मनपसंद कलर आपको चूज करना है आप कर लो, जिस कलर की आपने शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, टॉप पहना है, वो कलर यहां पर चूज कर लो। ठीक है, चलिए मैं ग्रीन चूज कर लेता हूं। ओके, अगेन ओके। तो आप देखते हैं वो कंप्लीट रो हाईलाइट हो गई। मजा आ रहा है ना? देखो एक्सेल में मजा बहुत है, अगर आप थोड़ा समझोगे चीज को बहुत मजा आता है। तो पूरी रो हाईलाइट हो गई। अगर कोई वैल्यू मैं अगेन चेंज करके देखता हूं कि यहां पे एप्लीकेबल होता है, मैं लिखता हूं 6000, तो देखो ये भी हाईलाइट हो गया। आया ना मजा? तो देखो तीनों चीजें हमने यहां पर कर ली जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी थी 5-7 मिनट के अंदर। तो अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, और पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लो, प्लीज कर लो, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, थैंक यू। अब यहां तक तो आपने समझा कि ये काम कैसे होगा, आपने फाइल भी डाउनलोड कर ली होगी, नहीं कर ली तो आप कर लेना, नीचे लिंक गिवन है। अब हम समझते हैं कि अगर आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आप एक्चुअल में कितना अर्न कर सकते हो, उसके लिए ये रेट कार्ड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप एज अ पार्ट टाइमर स्टार्ट करते हो तो कम से कम 800 रुपए पर आर का आप चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर आप महीना पूरा देखोगे और दिन का 1-1.5 घंटा आप एक्स्ट्रा निकालते हो अपने स्केड्यूल से, तो आप इजिली 32,000, मतलब कि 30-40 हजार रुपए इजिली एज अ पार्ट टाइमर सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो। अगर आप इसमें फुल टाइम आना चाहते हो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो एकदम फुल टाइम मत आओ, धीरे धीरे आओ, राइट? अगर आप जॉबलेस हैं तो बिल्कुल आप फुल टाइम आओ, और उस केस में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मेहनत कितनी करते हैं, ऑलराइट? और अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है और भी डिटेल में कि एक्सेल के थ्रू फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली होती क्या है, काम एग्जैक्टली डिटेल में कहां मिलता है, कहां प्रोफाइल बनाया जाता है, किस तरह के काम मिलते हैं, बेसिक काम कैसा होता है, इंटरमीडिएट लेवल का काम कैसा होता है, एडवांस लेवल का काम कैसा होता है, और मुझे तो एक्सेल आता नहीं बट अब मैं काम कैसे करूंगा, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए और एक रोड मैप बताने के लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो या फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास है ताकि आप इसको इजिली ज्वाइन कर पाए और मैं आपसे वहां पर ऑनलाइन मिल सकूं और आपको समझा सकूं डिटेल में, और जितने भी आपके डाउट है क्लियर कर सकूं, और साथ में आपको और मोटिवेट करने के लिए मैं आपको एक फ्री बोनस भी दूंगा वर्थ ₹1500, जो कि एक अमेजिंग बोनस है और आपको हेल्प करेगा करियर में ग्रो करने के लिए, जो कि आपको फ्रीली मिलेगा इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो सोच क्या रहे हो, लिंक पे क्लिक करो, मुझे मिलो और सारी चीजें डिटेल में समझो और अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओ और सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट करो। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।